हेलो दोस्तों, बात करते हैं हाल ही में हुई वुमेन प्रीमियर लीग के ऑक्शन की, जिसमें अगर देखा जाए तो यूपी वॉलीबॉल फ्रेंचाइज ने अपनी टीम में 16 प्लेयर को शामिल किया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं दीप्ति शर्मा जो इंडिया से है, जिनको खरीदा है 2 करोड़ 60 लाख रुपए में, जो कि एक ऑलराउंडर है। उसके बाद क्लेस्टोन जो कि इंग्लैंड से है, वो कि एक ऑलराउंडर है, उनको खरीदा है 1 करोड़ 80 लाख रुपए में। उसके बाद है देविका वैद्य इंडिया से जो कि ऑलराउंडर है, उनको खरीदा है 1 करोड़ 40 लाख में। उसके बाद है ताइला मैकग्रास जो कि एक ऑलराउंडर है ऑस्ट्रेलिया से, जिनको खरीदा है 1 करोड़ 40। उसके बाद है शबनीम स्नेल जो कि साउथ अफ्रीका से जो कि एक बॉलर है, उनको खरीदा है 1 करोड़ रुपए में। उसके बाद है ग्रेस हैरिस जो कि एक ऑलराउंडर है ऑस्ट्रेलिया से, उनको खरीदा है 75 लाख रुपए में। उसके बाद है अलेसा हेली ऑस्ट्रेलिया से, जिनको खरीदा है 70 लाख रुपए में, जो कि एक विकेट कीपर है। उसके बाद है अंजू सरवानी जो कि इंडिया से है, जिनको खरीदा है 55 लाख रुपए में, जो कि एक बॉलर है। उसके बाद है राजेश्वरी गायकवाड़ इंडिया से जो कि एक बॉलर है, उनको खरीदा है 40 लाख रुपए में। उसके बाद है श्वेता शरावत जो कि बैटर है इंडिया से है, उनको खरीदा है 40 लाख रुपए में। उसके बाद है किरण नवदीप जो इंडिया से है, जो कि एक बैटर है, उनको खरीदा है 30 लाख रुपए में। उसके बाद है लॉरेन बेल जो कि इंग्लैंड के एक बॉलर है, उनको खरीदा है 30 लाख रुपए में। उसके बाद है लक्ष्मी यादव जो कि इंडिया से है, जो कि एक विकेट कीपर, उनको खरीदा है 10 लाख रुपए में। उसके बाद है रश्मि चोपड़ा जो कि इंडिया से है, जो कि एक ऑलराउंडर है, उनको खरीदा है 10 लाख रुपए में। उसके बाद यशस्वरी जो कि एक ऑलराउंडर इंडियन है, उनको खरीदा है 10 लाख रुपए में। उसके बाद एक जो कि एक बैटर है इंडिया से, उनको खरीदा है 10 लाख रुपए में। ये थे गाइस यूपी वॉरियर्स के, उनको खरीदा है यूपी वॉरियर्स की फ्रेंचाइज ने। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को जरूर गाइस सब्सक्राइब कर लेना।